दोस्तों, आज हम यहाँ पर बात करने वाले एक शेयर से लेके जिसका नाम है वक्रांगी लिमिटेड। वक्रांगी की हम बात क्या हमने पहले करी है? बिल्कुल करी है, बहुत पहले करी है। ठीक है, उस टाइम आज से दो दो ढाई तीन साल पहले यहाँ पर बातें करी थी, जब ये शेयर लगभग लगभग इस प्राइस के आसपास चलता था, 15-20 रुपए। और उसके बाद ये शेयर अगर हम देखें तो अच्छा खासा 40-50 रुपए तक गया था। 2020 में बात करी थी, मुझे याद है। और फिर उसके बाद गया और जाने के बाद चीजें नीचे आती हुई दिखाई दी और एक रेंज में यहाँ पर ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। अब क्या वीडियो को बनाने के पीछे का मकसद क्या है कि टेक्निकल पर कुछ दिखाई दे रहा है, उससे रिलेटेड मैं बातें करूंगा। लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा ताकि एक एक पॉइंट आपको समझ में आ सके। ऐसा नहीं कि आप, मैंने कह दिया कि लास्ट तक वीडियो में बने रहिए और आप लास्ट में ही पहुंच गए सीधे चीजों को देखने के लिए, और पता चला आपने बीच का पार्ट छोड़ दिया, और बीच के पार्ट छोड़ने में आपको वो नहीं पता चला जो यहाँ पर मैं हमेशा आपको सतर्क करने की कोशिश करता हूँ। क्योंकि पूरी वीडियो देखोगे तो आपको पूरा का पूरा नॉलेज मिलती हुई नजर आएगी, इस चीज को हमेशा याद रखिएगा। तो लास्ट तक वीडियो में हमेशा बने रहे। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, वीडियो में आगे बढ़ेंगे, जानेंगे हर चीज को। तो उससे पहले याद रखिएगा, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को हिट और नोटिफिकेशन को ऑन करें। बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन नहीं है, चीजों को सीखना है, सीखने के लिए वीडियो जाके देखनी है, देखने के लिए वीडियो जाइए, वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए। और ज्यादा सीखना चाहते हैं, तरीके से सीखना चाहते हैं कि शेयर क्यों भागते हैं, क्यों गिरते हैं, कब भागते हैं, कब गिरते हैं, तो देखिए 25,000 रुपए का कोर्स आपके सामने है, जहां पर 8868605401, 8169261037 दोनों नंबरों को सेव कर लीजिए। बेसिक टू एडवांस हमारा ये पूरा कोर्स होगा, जहां पर हम टेक्निकल रिसर्च, फंडामेंटल्स और सारी चीजें सिखाते हुए नजर आएंगे। इंडिया का बेस्ट कोर्स मैं ऐसे कहूंगा, एक बार आप करोगे तो आपको चीजें समझ में आएगी। बाकी अगर आप साथ में काम भी करना चाहते हैं तो भी यहाँ पर हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, हम जाते हैं वक्रांगी से लेके। वक्रांगी की अगर बात करें तो देखिए, ये एक आईटी स्टॉक्स आप एक तरीके से कह सकते हैं। ठीक है, आप या यहाँ पर आप देखेंगे तो इज अ टेक्नोलॉजी ड्रिवन कंपनी है। हाँ, सेंटर एंड द बिल्डिंग लास्ट माइल रिटेल आउटलेट टू डिलीवर BFSI एंड अदर सर्विस ऑफ द अनसर्व्ड एंड अनडिजर्व रूरल से भी अर्बन एंड अर्बन पॉपुलेशन ऑफ द कंट्री। तो यहाँ पर ये सर्विस प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। किस तरीके की सर्विस? तो जैसे गवर्नमेंट के साथ में मिलकर आधार कार्ड वगैरह बनाना, है ना, पैन कार्ड वगैरह बनाना, वो सब चीजों से लेकर इनका यहाँ पर काम होता हुआ नजर आता है। आप चाहो तो एक बार यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर विजिट कर लो तो आपको एक पूरा का पूरा आइडिया नजर आता हुआ दिखाई देगा कि कंपनी किस तरीके से यहाँ पर काम करती हुई नजर आते हैं। ATM की, ई कॉमर्स एंड लॉजिस्टिक की सर्विस ये देते हुए नजर आते हैं, तो मोस्टली ये सारी सर्विस प्रोवाइड करते हुए नजर आते हैं। ठीक है, जो नॉर्मल सर्विसेज होती है। अब याद रखिए एक चीज को, और बात कर रहा हूँ, जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पर कंपनी की, तो देखिए सबसे पहले तो 2647 करोड़ रुपए की मार्केट कैप है। ये 2647 करोड़ रुपए की मार्केट कैप की बात करूँ तो याद रखिएगा स्मॉल कैप। स्मॉल कैप की जब बात करूँ तो दो चीज याद रखिएगा, हमारी एक्सपर्टीज इसमें, इसलिए हमारे चैनल का नाम भी एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर है। दूसरी बात, जब मैं स्मॉल कैप की बात करूँ तो याद रखिएगा बाइंग सेलिंग के तो बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है। और साथ में जब स्मॉल कैप गिरते हैं ना, तो इस तरीके से गिरते हैं कि आप देखेंगे कि 400-500 रुपए वाला स्टॉक 20-22-23 रुपए में चल रहा है। तो सही टाइम पे लेना, सही टाइम पे बेचना बहुत जरूरी है, जो हम अपने कोर्स में यहाँ पर सिखाते हैं। दूसरी बात, जब भागते हैं तो भी पैसे बनाते हुए नजर आते हैं कि कुछ पैसों का स्टॉक, 50 पैसे का स्टॉक किस तरीके से 500 रुपए तक चला गया और यहाँ पर वेल्थ क्रिएट करके दी, वो भी हम यहाँ पर बताते हुए नजर आते हैं। तो सही टाइम पे लेना है, सही टाइम पे बेचना है, वो एक गणित है जो आपको यहाँ पर समझना होगा। उस चीज को आप समझ गए, यहाँ पर पैसे आपके बनेंगे, जो हम इस कोर्स में पूरे का पूरा बताते हुए नजर आते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। स्टॉक पीई की बात करें, 457 का पीई है। ठीक है, और पीई कैसे डिसाइड करते हैं? प्राइस डिवाइडेड बाय अर्निंग रेशियो। प्राइस क्या है यहाँ पर? 2500 रुपए। अर्निंग रेशियो क्या है? अर्निंग रेशियो यहाँ पर आप जाओगे तो आपको पता चलेगा कि 0.05, इसलिए इसका इतना ज्यादा यहाँ पर पीई आ रहा है। ठीक है, तो वो छोड़ते हैं, अभी हम यहाँ पर क्लासेस लेने नहीं बैठे। हम यहाँ पर बात कर रहे हैं ROC, ROE ठीक नहीं है, शेयर ज्यादा महंगा नजर आता है, बट स्टिल मैं हमेशा कहता हूँ पीई के बेस पे काम नहीं करना है, है ना। 32 का यहाँ पर इंडस्ट्री का पीई है। पीई ज्यादा हो गया तो बेकार हो गया, उससे कम हो गया तो अच्छा हो गया, ऐसा कोई भी गणित नहीं है, कहीं पर भी लिखा नहीं है। स्टॉक मार्केट अलग तरीके से बिहेव करता है, थ्योरी अलग तरीके से बिहेव करती है, याद रखिएगा। डेट टू इक्विटी की बात करें तो यहाँ पर देखिए ना के बराबर डेट है, डेट फ्री शेयर को मान के चलिए, 7% की यहाँ पर प्लेजिंग है। 32 का 52 भी खाई है, 25 पर शेयर चल रहा है, 16 का 52 भी लो है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ओवरऑल बात करें तो एज सच यहाँ पर पी थोड़ा सा महंगा है। यहाँ पर बात करें, कंपनी डेट फ्री है। ठीक
ठीक है, बुक वैल्यू इंट्रेंसिक वैल्यू से काफी ऊपर चल रहा है, 1 रुपए की फेस वैल्यू है। चार्ट पैटर्न क्या बता रहा है? चार्ट पैटर्न बता रहा है कभी शेयर कहाँ हुआ करता था, अभी शेयर कहाँ पर होता है, और उसके पीछे का रीजन क्या है। उसके पीछे का रीजन यहाँ पर कुछ फ्रॉड वगैरह हुआ था, है ना, कुछ इशू हुआ था जिसकी वजह से शायद चीजें नीचे आई थी, और चीजें नीचे आने के बाद एक ही रेंज में ट्रेड करती हुई नजर आ रही है, ठीक है। बट यहाँ पर वो चीजें रिजोल्व हो चुकी है और चीजें अब शायद अच्छा खासा काम करती हुई नजर आ सकती है। शिट को भी हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हमें सब पहले जाना है नंबरों पे। जब हम क्वार्टरली नंबर्स पे जाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट कभी ज्यादा आ जाते हैं, कभी कम आ जाते हैं, है ना। जहां पर कभी 150-200 करोड़ की सेल्स हो रही थी, फिर एक साथ ही 48 करोड़ की, फिर 250 करोड़ रख पहुंच गए, फिर दोबारा यहाँ पर 40-50 पे चल रहा है मामला, ठीक है। यहाँ पर बात करें ईयरली क्वार्टरली बेस पे तो अच्छी सेल्स है, बट प्रॉफिट की बात करें एक लाइन में ही प्रॉफिट आता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑपरेटिंग मार्जिन भी सेम ही है, और यहाँ पर नेट प्रॉफिट की बात करें वो यहाँ पर जरूर थोड़ा सा बढ़ रहा है, बट ईयरली क्वार्टरली बेस पे, बट हम बात करें ऐसा ज्यादा नहीं बढ़ रहा है, बट कंपनी एटलीस्ट इतने में भी कभी घाटे में नहीं आई, ये एक अच्छी बात है। दूसरी बात करेंगे यहाँ पर ईयरली परफॉर्मेंस की, तो वो भी समझ में आएगा कि आपको कि जो 1600-1500 करोड़ की सेल करती थी कभी, अभी 200 करोड़ की सेल्स कर रही है। तो जैसे कि मैंने बताया था कि यहाँ तक मामला ठीक था, ठीक है, इसके बाद मामला बिगड़ा और इसकी वजह से यहाँ पर आप देख रहे हैं कि नीचे भी आती हुई दिखाई दे रही है, ठीक है। बट चीजों को चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं, दोबारा अगर अच्छी हुई तो यहाँ पर चीजें अच्छी भागेगी, और ऐसा अभी यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं दिखाई देता, बट चार्ट पर कुछ दिखाई दे रहा है जो कि आपको शायद कुछ दे सकता है, ठीक है। उससे रिलेटेड हम बाद में बात करेंगे। बात करेंगे यहाँ पर रिजर्व्स की, तो रिजर्व्स को यहाँ पर देखिए, कंपनी के रिजर्व्स जो 2526 करोड़ के थे वो पूरे का पूरे खत्म है, 56 करोड़ के ही यहाँ पर रिजर्व्स रह गए। बोरिंग की बात करें 12 करोड़ के आसपास की बोरिंग है, 10 करोड़ पर वर्किंग प्रोग्रेस में, और इन्वेस्टमेंट की बात करें 7 करोड़ का इन्वेस्टमेंट और 50 करोड़ की यहाँ पर क्या है, यहाँ पर कंपनी के पास कैश भी पड़ा हुआ है। स्प्लिट की बात करें 2012 में स्प्लिट मिला, 2022 में यहाँ पर 2012 और 2022 में एक बार बोनस भी मिला है, मर्जर भी होता हुआ नजर आया है, ठीक है। जो डी मर्जर ऑफ वक्रांगी फ्रॉम द वक्रांगी लिमिटेड, वो आप देख सकते हैं, डिविडेंड आप देख सकते हैं, है ना। तो ये कंपनी से रिलेटेड यहाँ पर हिस्ट्री है। और थोड़ा सा आगे बढ़ते हो तो आपको समझ में आएगा कंपनी के प्रमोटर्स है जो 41% की होल्डिंग है, और इस क्वार्टर में प्रमोटर्स ने यहाँ पर थोड़ा सा माल निकाला है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। बात करें एफआईज की, एफआईज ने अपनी हिस्सेदारी घटा दी है 8% से, धीरे धीरे बेच के यहाँ पर अभी 2-3% के आसपास रह गए। डीआईज भी सेम, यहाँ पर हम बात करें 6% के 6% रहा है, इसमें से एलआईसी के पास ही सारी की सारी हिस्सेदारी है, ठीक है। पब्लिक की बात करें, पब्लिक में 42% है, 42 में से भी आप देखोगे तो धीरे धीरे बढ़ के 48 तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। अभी एक फंड ने वंदा ट्रेडिंग ने यहाँ पर 1.58% की होल्डिंग इस पर्टिकुलर क्वार्टर में लेते हुए नजर आए। उन्होंने क्या देखा है मुझे नहीं पता, ठीक है। ऐसा उस अगर बात करें इंटरनल न्यूज हमारे पास कुछ है नहीं, ठीक है, जो हम यहाँ पर शेयर कर सके। सिंपली कुछ होगा शायद, उनको कुछ पता होगी इस वजह से उन्होंने बाय किया है, वो हम किनारे पे लगाते हैं, ठीक है, उस चीज को हम पकड़ नहीं सकते, तो उससे रिलेटेड बातें नहीं करेंगे। बट जो हमें आता है, जो हमने सीखा है, और जो हम यहाँ पर सिखाते हैं, और जो हमें दिखाई देता है, उससे रिलेटेड बातें करेंगे जो चार्ट में यहाँ पर क्या रहा है। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, आई एम स्मॉल कैप इन्वेस्टर, चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन पर हिट और नोटिफिकेशन ऑन करें। बाइंग सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर, खुद की स्टडी करना है, चीजों को सीखना है, और यहाँ पर वीडियोस देखिए, नंबर है नोट कर लीजिए, कोर्स कर सकते हैं, है ना। और 1 जनवरी 2025 का कोर्स की कीमत 50,000 रुपये होने वाली है, इस चीज को भी याद रखिएगा, ठीक है। अभी फायदा उठा सकते हैं 25,000 में। देखिए शेयर अच्छा खासा भागा, भागने के बाद यहाँ पर शेयर में गिरावट हुई, कंसोलिडेशन। अब क्या हो रहा है, अब कुछ पुराने जो स्टॉक्स है ना उनमें मोमेंटम आ रहा है और वो एक रेंज से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और जब चीजें निकलती है ना इसे तो ही यहाँ पर परफॉर्म करती हुई नजर आती है। जो हम आगे कभी हमारी क्लास में आओगे तो आपको यहाँ पर बात करेंगे, बट अभी हम जो बात कर रहे हैं, अभी क्या हुआ है, यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया है, ठीक है। इसे कैसे प्ले कर सकते हैं, वो प्ले करने का तरीका बता रहा हूँ, बाइंग सेलिंग की बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर एक सिंपली एक 3C पैटर्न का भी ब्रेकआउट होता हुआ नजर आ रहा है। क्या है ये चीजें बता देते हैं, तो यहाँ पर देखिए कैसे ये शेयर 25 रुपए 50 पैसे के ऊपर टिक जाए, ठीक है। एक स्टॉप लॉस लगेगा कितना, अगर थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस लेके चलूंगा, क्यों, क्योंकि छोटा लूंगा तो बिल्कुल एक हो जाएगा, 23 रुपए का, ठीक है। 25 रुपए 50 पैसे का यहाँ पर, तो मतलब 2.5 रुपए का यहाँ पर रिस्क रहेगा, ठीक है, जो कि लगभग लगभग हम बात करें तो पूरा 10% होता हुआ नजर आता है, ठीक है। और चीजें जैसे ही निकलती हुई नजर आएगी तो देखिए, सबसे पहला टारगेट 2848 पैसे का है, दूसरी बात करें 3211 पैसे का है, और चीजें अगर निकली
ठीक है, तो बात जब दूर तक जाएगी तो शायद और दूर तक जा सकती है, और वो दूर कहाँ से होगा, वो दूरी शायद 40 रुपए, 46 रुपए, और ये शेयर इस बार अपना जो प्रीवियस हाई था 61 रुपए, उसको भी यहाँ पर टेस्ट कर सकता है। क्या होती है, स्टेज 1 2 3 4 होता है, यहाँ पर आप देखेंगे स्टेज 2 थी 3 थी, फिर 4 चालू हुई, 4 के बाद यहाँ पर 1 चालू हुआ, ठीक है ना, और उस रेंज से बाहर निकल रहा है, तो शायद दोबारा स्टेज 2 की तरफ ये बढ़ सकता है। तो उस बेसिस पे हमें यहाँ पर काम करना है, और उसी बेस पे हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। अभी एज सच फंडामेंटल कुछ अच्छे नहीं है, ठीक है ना, कंपनी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड बेकार है, कभी भी पल में माशा पल में तौबा इनके रिजल्ट आते हुए दिखाई देते हैं, तो वो सब चीजों पर भी यहाँ पर नजर रखना है। बट हमने जो शॉर्ट टर्म में दिखाई देता है उससे रिलेटेड मैं यहाँ पर बातें कर रहा हूँ, ठीक है। ब्रेकआउट जरूर हुआ है, बट याद रखिए ब्रेकआउट फेल भी हो जाते हैं, और मुझे लगता है कि शायद यहाँ पर जाके 28 रुपए पर टच करके चीजें दोबारा नीचे आती हुई दिखाई दे सकती है, और 28 के ऊपर रुकी तो फिर यहाँ पर 32, और फिर उसके बाद यहाँ पर 41 रुपए का टारगेट तो मान के चलिएगा, ठीक है। बट बाइंग सेलिंग के रिकमेंडेशन नहीं है, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना, चीजों को सीखना है, सीखने के लिए क्या करना है कुछ नहीं करना, सिंपली हमारे नंबर है कॉन्टेक्ट करना है ना, काम करना है तो कॉन्टेक्ट करना है, व्हाट्सएप कॉल मैसेज कभी भी कर सकते हैं, नंबरों को नोट कर सकते हैं, और लाइक कमेंट शेयर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते जाए। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।